गोविंद नंदन नंदन को अभिवंदन के पद के अरविंद दुख दुंदन कंदन आनंद कंद मुकांद बिलंद करे दिन हिंदू सोइया हर गोविंद नंदन नंदन को वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सन्मान योग सतगुरां दी साजी नवाजी सात संगत जी पातत पावन भगत वछल कृपा दे खजाने अनाथां दे नाथ जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद विच सतगुरु जी दी अपरंपार कृपा सदका बैठण दा सुभाग मिल रहा है। सतगुरां दे पवित्र अस्थान गुरद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तल्लण जिला जलंधर विखे दुआबे की धरती उत्ते आपां हाजरियां भर रहे हाँ। संध्या दे सुंदर दीवान सजे हन, सजे हुए दीवानों विच गुरु घर दे कीर्तनीय सिंघां दे पासों आप जी ने गुरबाणी दा रस भिन्ना कीर्तन सरवण करके आनंद माणिया है। उपरंत सतगुरु के सेवादारां दे पासों आप जी ने रहरास साहिब जी दे पाठ नित्ता प्रति दे नितनेम दे मुताबक सरवण कीते। उपरंत सतगुरु सच्चे पातशाह दे चरणां विच जो लड़ीवार कथा दी सेवा नित्ता प्रति आप रल मिल के कथा विचारदे हाँ वह समा आया है। सतगुरु जी मेहर करन जिवें सतगुरु जी का सोहना सुंदर इतिहास श्री गुरु नानक प्रकाश चूड़ामणि कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने भावना नाल लिखिया है। इस कथा नूं पढ़ के सुन के साडे मनां विच भावना जागे असी भी गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे जीवन प्रकाश तो चानना लै सकीए सेध लै सकीए। सतगुरु कृपा करन वो भावना साडे हिरदिया के अंदर भी वसाउण। आओ जिवें कवि जी ने इस ग्रंथ की आरंभता दे उत्ते अकाल पुरख वाहिगुरु जी का मंगलाचरण किया है अपना इष्टा भाव जनाउंदिया होया दसे पातशाहियां दे मंगल कवि जी कर रहे हैं। नौ पातशाहियां तक आपां सतगुरु साहिब जी दे मंगलाचरण उन्हां दे अर्थ कथा रूप दे विच सरवण कर चुके हाँ। जिवें अगे दशमेश पिता जी पुत्रां दे दानी धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दे बेअंत ही मंगलाचरण कवि जी ने लिखे हैं। सो आओ बड़े प्यार दे नाल अगे कथा सरवण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इष्ट गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी मंगल। कवि जी क्योंकि अमृतधारी सिंह हन और हर एक अमृतधारी सिख का यह फर्ज बनता है कि दस पातशाहियां तो दस पातशाहियां की बाणी और अकाल पुरख वाहिगुरु तो सवाए किसी होर का मनण पूजन ना करे, होर किसी नूं अपना इष्ट देव ना मने, किसी देवी देवते मड़ी कवर इत्यादिक का पुजारी गुरु के खालसे ने नहीं बनना है। जागत जोत जपै निसबासुर एक बिना मन नायक ना आनै, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर मड़ी मट भूल ना मानै। भुल के भी मड़ियां मसाणा नूं नहीं मनना, तन नूं भुख्यां रख रख के वरत रखने, इन्हां कर्मकांडां दे विच नहीं पैणा। एक अकाल पुरख वाहिगुरू दे उत्ते भरोसा गुरु के सिख दा होवे ते कवि जी भावना वाले गुरसिख हन, इस करके उह अपने इष्ट देव दा मंगल थां थां उन्हां ने कीते। नौ पातशाहियां दे मंगल उचारन तो बाद
सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की उस्तत विच मंगलाचरण लिख रहे हैं। कवि जी ने दोहरा सवैया कवित चौपाई इत्यादिक बेअंत काव्य वर्णगियां वरतियां हैं इस ग्रंथ नूं लिखण दे विच। सो ये जिहड़े मंगलाचरण लिख रहे हैं इन्हां विच ज़्यादातर दोहरा कवित तथा सवैया की वरतों की है। सो इत्थे सवैया छंद दे विच कवि जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी की महिमा करते हुए लिखते हैं, हर गोबिंद नंदन नंदन को छेवें पातशाह मीरी पीरी के मालिक धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी उन्होंने नंदन कहिए पुत्र सतगुरु साहब जी के पुत्र बाबा गुरदित्ता जी सन, बाबा सूरजमल जी, बाबा अटल राय जी, अणी राय जी तथा श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अगे गुरता गद्दी दे वारस बने, गुरता गद्दी ते शुभायमान होए हन बैठे हन, जिस करके कवि जी ने इत्थे जिहड़ा नंदन प्रकरण दे हिसाब दे नाल शब्द लिखिया पुत्र शब्द वह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी वास्ते वरत्या है। हर गोबिंद नंदन नंदन को, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे नंद कहिए पुत्र गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अगे उन्हां दे जिहड़े पुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी हैं उन्होंने ताई अभिवंदन कै पद ते अरविंद। कवि जी कहते मैं अभिवंदन करदा हाँ, नमस्कार करदा हाँ सतगुरु जी के चरणों उत्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के, जिन्हों के चरण कमलों वांगू अरविंदु जड़े कमल फुल है उन्हां वांग कोमल कूले सुंदर हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ऐसे सतगुरु हैं जिहड़े दुख द्वंद द्वैत इत्यादिक नूं निकंदन कटन वाले खत्म करन वाले हैं। इस प्रकार आनंद कंद, आनंद का कंद कहिए मूल हैं, जा आनंद कंद आनंद बख्शन वाले प्रसन्नता खुशी बख्शन वाले हैं। और मुकंद मुक्ति दे दाता हैं सतगुरु जी, मुक्त करने वाले हैं जिहड़ा उन्हां ते भावना करता है। और बुलंद करे जन हिंदू, जिन्होंने हिंदुओं नूं इस धरती दे उत्ते इस देश दे विच बुलंद किया, क्योंकि बहुत नीवा दर्जा हिंदुओं का मुगलिया राज दे विच सी, जदों किसी मुगल ने तुरक ने थुकना भी हुंदा ना तो उस वेले आवाज़ मार के हिंदू नूं कहिंदा सी इधर आओ, ए अपना मूँह खोल मैं थुकना, धरती ते नहीं सी थुकदा, उन्हां दे मूँह विच थुकदा सी। ऐसी गुलामी की अवस्था सी, ऐसा जिहड़ा नीवा दर्जा दिता गया सी, ऐसी भैड़ी दशा सी, पर धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने इस हिंदवैण दे लोकां नूं हिंद वासियां नूं बुलंद किया, उच्चे किया है, उच्चे रुतबे बख्शे, उन्हां नूं बहादुर बनाया है, जिन्हां दे मूँह विच थुकया जांदा सी, जिन्हां नूं पगड़ी धारण का अधिकार नहीं सी, घोड़े घोड़ी की सवारी नहीं सन कर सकते। सो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उन्हां नूं उच्चे रुतबे बख्शे हन। तुरक इंद, तुरकां दा जिहड़ा इंद कहीए राजा औरंगजेब है, वह कहिंदे उडिंद तारियां दे वांगू है, उडिंद। सो इस प्रकार तारियां दा उड इंद कहिए तारियां दा राजा, तारियां दा राजा कौन है, चंद्रमा। पाप दी हनेरी काली रात दे विच जिहड़ा तुरकां दा इंद, तुरकां दा तुरकेश्वर औरंगजेब राजा है, वह चंद्रमा दी तरह है, दिनंद तिने गुर। और गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी उहदे वास्ते सूरजवत चढ़ के आए हैं, सूरज वांगू प्रगट होए आ, जदों सूरज हो जाता प्रगट उस वेले चंद्रमा भी छुप जाता, तारे भी छुप जाते हैं। इस तरह जो गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का प्रकाश होया, सतगुरु की चढ़त हुई, उस वेले जिहड़ा औरंगजेब है पापी, पाप की जुलम की काली रात दे विच उह चंद्रमा वांगू शोभा पा रहा सी, पर सतगुरु रूपी सूरज के चढ़न के नाल वो जिहड़ा औरंगजेब पापी आ नाश हो गया, खत्म हो गया। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सच्चे पातशाह सारे ही जगत के बिंदु, सारे जगत के उत्ते
सतगुरु सच्चे पातशाह सूरज वत प्रकाश होए हन। सर्वेंद गिरिंद भगिंद तुलम। और जेडे गिरिंद गिर नाम पहाड़ दा ते इंद नाम राजे दा, पहाड़ी राजे सरपिंद सप्पां दे विच्चों जेड़ा मुखी सप्प है, सर्प इंद सप्पां दा राजा, उबाशक नाग कह लो, शेष नाग कह लो, तक्षक नाग कह लो, पर इत्थे प्रकरण दे मुताबक सरपिंद जेड़ा वह साध संगत जी वो तक्षक नाग नूं आख्या गया, क्योंकि सब तो ज़्यादा जहरीला तक्षक नाग हुंदा है, उहदा डंगिया होया मनुख पानी नहीं मंगदा। इस तरह जहर दे भरे हुए है तक्षक नाग वर्गे, बाशक नाग वर्गे, शेष नाग वर्गे, जहरीले सप्पां वर्गे जिहड़े पहाड़ी राजे सन, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज इन्हां दे उत्ते खगिंद तुलंग, खग इंद पंछियां दा जिहड़ा राजा गरुड़ दे तुल है, गरुड़ दे बराबर आके सतगुरु जी इन्हां ते झपट के पए है। जिमें गरुड़ नूं देख के सारे सप्प आदिक भज जांदे, छाई माई हो जांदे हन, इस तरह गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज गरुड़ पंछी दी न्याई हन, जिन्हां नूं देख के नित्ता प्रति जहर उगलन वाले जिहड़े पहाड़ी राजे है वह भज तुरे हन। इस तरह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज अखंड बल वाले हैं, बड़े बलवान हैं, जिन्हां दे बल नूं कट्टिया नहीं जा सकता। सुरिंद है इंदू, इस तरह सुरां दा जिहड़ा इंद इंद्र देवता है, राजिआं दा राजा है, देवतिआं दा इंद्र। सो सतगुरु सच्चे पातशाह देवतिआं दे राजे इंद्र दे वी इंदू महान पूजनीक हन। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी की महिमा दे विच कवित लिखते हुए सतगुरु के चरणों नूं कमलों के नाल उपमा देंदे हन। कवि जी कहिंदे जिस तरह किसी तलाअ दे विच जिहड़े कमल दे फुल है वह वड्डियां वड्डियां पत्तियां दे सहित प्रफुल्लित हुंदे हन, इस प्रकार सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज इस संसार दे विच कलयुगी रूपी जिहड़ा ये संसार सरोवर है इहदे विच शोभा पा रहे हन कमल फुल दी तरह। जिवें कमल फुल दे नाल बहुत चौड़े चौड़े पत्ते हुंदे आ, पत्तियां हुंदियां, इस तरह पंखड़ियां उहदियां हुंदियां। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज अपने दल दे समेत, अपने सिखां दे समेत शोभा पाउंदे हन, प्रफुल्लित हो रहे हन, बिगस खिड़ रहे हन जगत विच। जिवें कमल फुल जिहड़ा बड़ा नरम हुंदा है, बड़ी कोमलताई हुंदी है उहदे विच, इस तरह सतगुरु के चरणों की कोमलताई है, सतगुरु के चरण बड़े कोमल हन, ते कमल फुल जिवें लाल हुंदे है इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरण जिहड़े है वह प्रेम के रंग लाल रंग दे सहित मन लो। और जिमें कमलां जिथे कमलां दी बगीची हुंदी है सरोवर दे विच ताल दे विच, जिमें सरोवर दे उत्ते कमल फुल शोभदे है ते उन्हां दे कोल आके मराल राज जिहड़े राज हंस वह शोभा पाउंदे है, इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कोल संतां दा समाज, बहुत सारे भगती शक्ति वाले गुरसिख साधु महापुरख शोभदे हन। इस तरह ही जिवें कमल फुल दे विच पराग हुंदा है, धूड़ी दे कणजे हुंदे आ उहदे जिन्हां दे विचों खुशबू पैदा हुंदी है, इस तरह ही सतगुर सच्चे पातशाह दिन रैन में सुहानी है, दिन रात सतगुर सच्चे पातशाह जी वो कमल फुल दे पराग की तरह खुशबू भगती दी सतगुर सच्चे पातशाह वंड रहे हन। सो इस प्रकार जिहड़ा दिन दे विच तां जिहड़ा कमल फुल है वह खिड़दा है ते खुशबूआं वंडदा है, पर सतगुरु सच्चे पातशाह की विशेषता की आ, वह दिन रात ही भगती की सुगंधी वंड के शोभा पाउंदे हन। श्री मुख नाम भौरे का है, सो जिस तरह साध संगत जी भौरे कमल दे फुल्लां दे उत्ते आ के आनंद लैंदे है, उन्हां दी शोभा नूं उन्हां दी खुशबू नूं माणदे हन, इसे तरह
ਭੌਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਭਰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਮਲ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਉਹ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਉਂ ਮੁਰਗਾਈ ਪੰਖ ਨਾ ਭੀਜੈ ਕਮਲ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਭਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਲ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਤ ਦਾਇਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਨ ਨਾਮ ਹੋਰਦ ਹੈ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਤਰਕ ਪਪੀਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਕਦੋਂ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਤਰਕ ਹੈ ਨਾ ਬੰਬੀਹੇ ਹੈ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਪਿਓ ਪਿਓ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤਰਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਓ ਪਤੰਗ ਸਨੇਹ ਕੀ ਡੋਰ ਬੰਧਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਤੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਣਕੇ ਜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਡੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਤੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਟਣੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਉਹ ਗੁੱਡਾ ਪਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਹੋ ਮਿਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਵੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਇਹ ਸਾਗਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਤਾਸਨ ਅਗਨੀ ਹੈ ਬੜਵਾ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਵਾ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜਵਾ ਨਗਲ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਧਤ ਬੰਧਨਾ ਕਰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਸੁੱਖ ਕੰਦ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਅਗ ਮੰਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਗੀ
बड़े पापी लोग है, मंदमती वाले लोग है, उन्हां नूं भी तार दे हो। सियाल ते मरगिंद पड़ पीजने दनिंद करे। आप जी सियाल नाम है गिदड़ दा, गिदड़ां तो मिरगिंद मिरगां दा, इंद कहिए राजा जिहड़ा शेर है, गिदड़ां तो शेर बनाउण वाले हो, पट बीजने दनिंद करे। और गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने जिहड़े पट बीजने टटहणे हुंदे आ ना खंभां विच, जिन्हां दे लाइट हुंदी आ, रोशनी हुंदी है, सो उन्हां नूं दिनिंद सूरज वत चमकदार बना दिता। भाव जिहड़े बहुत छोटे सन संसार दे विच, नीच हो ऊच करै मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै, जिन्हां नूं नीच कहा जांदा सी, छोटे समझिया जांदा सी, उन्हां दा सूरज वत प्रकाश संसार दे विच उन्हां नूं उग्गे कर दिता, प्रगट कर दिता। कीड़ियां नूं हाथियां दे नाल लड़ा दिता, जां कीड़ियां तों हाथियां वर्गे हौसले वाले सिखां नूं बना दिता। इस तरह पंथ दयो गतवंद ही, और आप जी ने जिहड़ा पंथ कहीए रस्ता दिता है वह गतवंद है, वह मुक्ति वाला रस्ता दिता है। इस प्रकार पंथ जिहड़ा खालसा पंथ आप जी ने प्रगट कर दिता है, सो खालसा पंथ वाले मार्ग के उत्ते चलन वालियां नूं मुक्ति मिलती है। सो आप जी ने यह जिहड़ा गुरु के सिखां नूं आप जी ने मुक्ति वाला पंथ सारे संसार नूं जगत नूं बख्श दिता, खालसा पंथ। जिस गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने मशका नाम मच्छर दा, मच्छर तो खगिंद मच्छरां नूं गरुड़ बना दिता है, मच्छर बहुत छोटा जा हुंदा है ते गरुड़ पंछियां दा राजा हुंदा। इस तरह संसार विच जिन्हां नूं छोटे कहा जांदा सी, जाति अभिमान वाले जिन्हां नूं छोटे गिणदे सी, उन्हां नूं गरुड़ वांग सरमौर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बना दिता है। जिन काक ते मराल ब्रिंद, ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने कावां तों हंसां दे समूह कर दिते हन, जिन्हां नूं भैड़े ते पापी जाणिया जांदा सी, उन्हां नूं हंसा वांगू सोहणे सुंदर बना दिता, श्रेष्ठ बना दिता है। और गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने रंकां तों कंगालां तों राजे बना दिते। इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद करें हमरी गुरियाई। इन्हां गरीब सिखां नूं पातशाही देण वास्ते सतगुरु कहिंदे, मैं आया इन्हां नूं पातशाहियां राज भाग बख्शांगा, तां कि मेरी गौरवता नूं गुरता गद्दी नूं हमेशा चेते रखण। इस करके सतगुरु जी ने रंकां तों कंगालां तों राजे बना दिते। और बंदत मुकंद ही, जिहड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं नमस्कारां करदा है, सतगुरु जी नूं मुक्ति दिंदे हन, मुक्ति दे दाते हन। और इसे प्रकार बंदत मुकंद ही जिहड़े लोकां नूं बंदना करन वाले, नमस्कारां करन वाले गुलाम लोग सन, किसे दी गुलामी करन वाले, उन्हां नूं सतगुरु ने मुक्ति दे दाते बना दिता, राजे बना दिता है। सुंदर मुखारबिंद सोहत संतोख सिंह, भाई संतोख सिंह जी कहिंदे, ऐसे प्रतापशील सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का सोहना मुखड़ा, सोहना मुखारबिंद ऐसी निर्मल शोभा पा रहा है। जेडे साध संगत जी सतगुर सच्चे पातशाह जी दे मुख दे दर्शन करते हैं, उन्होंने पता हीन जे कलंक तो समान होत चंद ही। कहिंदे सतगुरु जी का चेहरा चंद्रमा वर्गा है, पर चंद्रमा तो ता सतगुरु के चेहरे की बराबरता कर सकता ना, जे वह कलंकहीन हो, क्योंकि चंद्रमा में कलंक है, सतगुरु निह कलंक हैं, कोई कलंक नहीं। इस करके चंद्रमा सतगुरु के बराबर नहीं है। कवि जी कहते ने, हे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, आप जी वर्गा कोई दाता सखी दाता नहीं है, दुनिया विच दाते बहुत हैं, सतिया मन संतोख उपजै, देना कै विचार, दे दे मंगै सहसा गुणा, सोभ करे संसार। एक तो हैगे है ऐसे दान करन वाले जिहड़े दान दिंदे है ते अपना नाम उगा करन वास्ते दान दिंदे आ, दिखावा करदे आ भी सारा संसार साडी सोभा करे, वडियाई करे, भी फलाना तो बड़ा दानी है, बड़ा दान करदा है। इस करके धर्म स्थानां दे विच, गुरुद्वारे मंदरां दे विच जाओ ते साध संगतां जिहड़े पक्खे लगे हुंदे आ ना, जां जगह जगह दे उत्ते कंधां दे उत्ते पत्थर ला के भी लोकां ने नाम लिखाए हुंदे आ, उह ऐस कैटागरी दे दाते हुंदे आ दान करन वाले, भी संसार
साड़ी शोभा करे, पढ़न सुन वालियां नू पता लगे, देखण वालियां नू कि फलाना से उन्हें कुछ दान किया है। तो दास ये भी बेनती करे, खालसा जी गुरु घर विच दान नहीं करीदा, क्योंकि दान अपने तो छोटे नू देईदा। गुरु घर विच आपां दसवंध भेटा करते हैं, वड्डियां नू भेटा करीदी है। इस करके कदे ऐसी गलती ना करिए लिखाउण दी कि फलाना सिंह ने गुरु घर दे विच इन्ना दान किया, क्योंकि असी तां सतगुरु के दर के भिखारी हैं, इतों दाता मंगण वाले हैं। सतगुर दाता है, ददा दाता एक है, सब को देवनहार, दिन दे टोट ना आवई अगणत भरे भंडार। गिणती मिणती तो रहती जिहदे भंडारे खजाने भरे हुए है, वह दाता तो एको ही है। तो असी अपने आप नूं दाते समझण की भुल करके ऐसी गलती ना करिए। आम देखा जाता पक्षियों के उत्ते, पखे दे उहदे तीन चार ब्लेड हुंदे आ, ते एक भी इंच जगह खाली नहीं हुंदी जिथे नानकिया दादकिया ने घर परिवार के नां ना लिखे होण। क्यों? सोभ करे संसार, यह मन विच भावना हुंदी है, संसार साडी सोभा करे, फलाना सिउने दान दिता। इस करके एक कैटागरी दान देण वाले दात्यां दी इह है, और एक हैगे दे मंगै, जिहड़े दे के मंगदे है। दान देना थोड़ा ढेली दे के जिहड़े हवेली मंगदे आ, गंढा दे के संडा मंगदे आ। थोड़ा दान करके बहुते दी आस रखनी भी मैनू बहुता प्राप्त होवे, इस तरह के भी दाते है। और एक हैगे देने कै विचार, जिहड़े दान देने दे विच विचार करदे आ भी कित्थे देना है कित्थे नहीं देना, जां आ महीने विच किन्ना क दान देना, आ साल विच किन्ना क दान देना, वह सोच समझ के करदे आ। इस तरह के भी दाते दान देने वाले है। पर सारिआं विच्चों जिहड़े चौथी किस्म दे सखी उदार दाते है, वह श्रेष्ठ है। सतिया मन संतोख उपजै, जिहड़े सखी दात्यां दे मन दे विच संतोख आ गया और इस तरह के नाल दान करदे आ भी हथ नूं एक सज्जे हथ ने दान किया, खब्बे नूं पता नहीं लगता। जे कोई उन्हां नूं पुछे भी भाई साहब तुहाडा नाम लिख दीए, तुसीं आ माया भेट कर रहे हो, कहिंदे नहीं जी, नाम दा सतगुरु जाणदा, गुप्त दान ही लिख दिओ, गुप्त सेवा लिख दिओ। ऐसे भी होंदे है। सो चार प्रकार के दाते आसा दी वार विच सतगुरु सच्चे पातशाह ने दसे है। इत्थे कवि जी कहिंदे, महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज, तोसो नहीं दाता को, तेरे वर्गा कोई दाता देण वाला दाता नहीं, दानी नहीं है। कित्थों लभांगे गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज वर्गा दानी भाई? आ दुनिया दे विच कोई धन दान कर सकदा है, कोई सोना दान कर सकदा है, घर बना के दान कर सकदा है, पदार्थ दान कर सकदा है, जमीन जायदाद दान कर सकदा है, पर कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज वर्गा दानी कोई होवेगा? अज तक दुनिया दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी तो इलावा किसी के भी नाम के नाल सरबंसदानी सतगुरु नहीं लगता। जे सरबंसदानी हैं तो मेरे कलगियां वाले पातशाह दशमेश पिता जी हैं, जिन्हों आप सरबंसदानी कहने हैं। थोड़ा थोड़ा तो सब कोई दान कर देवेगा, पर अपना सरबंस, अपना परिवार ही वार देना, अपने चारे साहबजादे, पिता जी, माता जी, सारा परिवार आ खालसे पंथ उत्तों जिन्हों ने वार दिता, ऐसा दाता कितों लभांगे भाई? इस करके कवि जी कहिंदे, तोसो नहीं दाता को, सतगुर सच्चे पातशाह तेरे वर्गा कोई दाता नहीं, दाता देण वाला नहीं, दान करन वाला नहीं। और सतगुरु किन्ना किन्ना दान कर देंदे सी, 52 कवि सतगुरु के दरबार में हमेशा रहिंदे, और सतगुरु के दर के उत्ते जिहड़ा भी आउंदा झोलियां भर के लैके जांदा सी, और सतगुरु गिण के जां मिण के नहीं सी दिंदे जो दान करना हुंदा, जो दातां देणियां हुंदियां। सतगुरु सच्चे पातशाह तां आ तलवार ते ढाले नहीं हुंदे, जिहड़े ढालां इह ढाले भर भर के खजाने दे विच्चों वरतांदे सी। कवियां दीआं कवितावां तों, विद्वानां दीआं रचनावां तों सतगुरु ने खुश होना, ते सतगुर सच्चे पातशाह ने सोने दीआं मोहरां दीआं ढालां भर भर के उहनां नूं वंडणियां, बेअंत दातां दिंदे सन। इको आपां पहलां भी विचारी आ साखी, कहिंदे भी कवि ने बहुत सोहनी कविता गुरु महाराज नूं सुनाई, सतगुर सच्चे पातशाह बड़े प्रसन्न होए, कहिंदे कविया कविता तां बड़ी सोहनी रची है, बड़े सोहणे तरीके नाल सुनाई है, ढंग नाल, असी तेरी सेवा तो बड़े खुश हैं, प्रसन्न होकर गुरु महाराज ने हाथी बख्शिश कर दिता। हाथियां दे दान तक सतगुरु जी दे दिंदे सन, विद्वानां दे कदरदान इन्ने सन, आप भी उच्च कोटी दे विद्वान, ते विद्वानां दी कदर भी बहुत करदे सन।
अज तां खालसा जी दुख दे नाल कहना पैंदा सिख कौम होर तां सब खेतरां दे विच बहुत मल्ला मार रही है, अगे वध रही है, पर विद्वानां दी कदर वाले पक्षों सिख कौम बिल्कुल पिछे जा रही है। इत्थे विद्वानां दी कदर कोई नहीं, कोई जिन्ना मर्जी मेहनत मशक्कत करके कथा सिख ले, विद्वान बन जाए, तुहानू सुनावे, तो साध संगत जी इस प्रकार कोई जिन्ना मर्जी वधिया ढाडी होवे, रागी होवे, पर उन्हां नू साध संगत जी आम ही देखण विच आया, घर परिवार दे बारे सोचण तो विचारियां नू वेल नहीं मिलदी, क्योंकि असी दुर्दशा ही इन्नी को कर दित्ती है। लभदे हैं असी गुरु घरां दे विच ग्रंथी बहुत चंगे होण जी, अगे संथ्या भी कराउण, साडे बच्चों नू पढ़ाउण, कथा सिखाउण, कीर्तन सिखाउण, गुरद्वारा साहब की इमारत दे उत्ते लखां नहीं करोड़ां रुपये ला दिंदे आप, सोने के कलश भी चढ़ा दिंदे हैं, महिमा करन लोग भी वाह भाई वाह, साडे पिंड की जिहड़ी गुरद्वारा कमेटी है इन्हें तो गुरद्वारा साहब इन्ना सोहना बना दिता, साडी लोग उस्तत करन, महिमा करन। पर उसे गुरद्वारे जदों ग्रंथी सिंह रखना हुंदा तां पिंड दे सियाणे सियाणे कमेटी वाले मैंबर आके फिर राय दिंदे है, कहिंदे जी ग्रंथी सिंह रखना ना तो कोई सस्ता जा रख लो, सस्ता जा जिहड़ा तनखाह घट लवे, क्यों? कहिंदे आपां तां गुरद्वारा साहब का बूहा ही खुला रखना, बार ही खुला रखना, तो बेनती है भाई जे गुरद्वारे का बार ही खुला रखना फिर ग्रंथी कानू रखना, एक चौंकीदार रख लो, सवेरे दरवाज़ा खोल दिया करेगा, शाम नू बंद कर देवेगा। असी चौंकीदार तो वध कीमत नहीं गुरु के ग्रंथियां विद्वाना कथावाचक रागियां दी करदे, ते कहण नू आपां कहिंदे जी गुरु के वजीर है। वजीर का रुतबा किन्ना वड्डा हुंदा है, राजे तो दूजा रुतबा वजीर का हुंदा, मंत्री का। असी दुनियावी मंत्रियों के पिछे बहुत झंडे चुकी फिरदे हां, वख वख पार्टियां दे दिन रात एक कीता होया, आ वोटां दे दिन चल रहे हैं, हरेक नूं आ वी आ साडा मंत्री बन जाए, साडा कैंडीडेट, साडा उम्मीदवार मंत्री बन जाए, क्यों? कम करवाउणे आ ना, ते कम तो आपां ग्रंथी सिंघां तों वी करवाउणे, अरदासां बेनतियां करवाउणियां हुंदियां सारे परिवार के नाँ लै लै के, तो उत्थे आपां किन्नी गुरु के वजीरां दी मंत्रियां दी कदर करदे हैं। ये हालात तुहानू सारिया नू देशों विदेशों दे विच पता ही है किस तरह के वरतदे है, पर धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज वो किन्नी कदर करदे सन विद्वानां दी। कवि की कविता तो खुश होए तो सतगुर सचे पातशाह ने हाथी बख्श दिता, सो जदों हाथी बख्शिया ना वो कवि बड़ा मायूस जहा हो गया, निम्मो झूणा जहा होकर बह गया। नाल दे कवि कहिंदे भी तू तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सोहले गा, वड्याई कर, भी गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने तेनों हाथी बख्श दिता, एड्डी वड्डी दात बख्श दिती है, तेरी कविता तो कलगियां वाले पातशाह इन्ने प्रसन्न होए है। वह कहिंदा कहिंदा प्रसन्न मैं सवाह होना, प्रसन्न हो के की करूँगा? कहिंदा महाराज ने हाथी तो बख्श दिता, मेरा सारा परिवार जिन्ना महीने विच खांदा हाथी ने एक दिन विच खा जाना, मेरे वास्ते तो बिपता खड़ी हो गई ना। कवियां नाल ये गल कर रहा सी कवि, वो जिन्हों बख्शिया सी महाराज ने कितने गल सुन ली, कहिंदे भी गल तो इहदी ठीक है, भी हाथी इहनू बख्श दिता तो प्रबंध भी उहदे पालन पोषण का होना चाहिए। सतगुरु कहिंदे कविया फिक्र ना कर, आ जा फैला अपनी झोली। उन्हें अपनी चादर विछा दी, झोली फैलाई, कलगियां वाले सच्चे पातशाह ने सोने दियां मोहरां दी ढाल भर के वो कवि नूं बख्शिश कर दित्ती। कहिंदे लै फिक्र ना कर, ना अपने परिवार दे खाण दा, ना अपने दा, ना ये हाथी नूं रजाउण दा, सारी उम्र खाई पी जाए, हाथी भी भावें होर रख ली चार मुकेगा नहीं कदे। एडियां वड्डियां बख्शिशां करदे सन कलगीधर पातशाह। जदों साध संगत वो कवि नूं हाथी भी बख्श दिता, खुले खजाने भी बख्श दिते, फिर जिहड़े बाकी दे कवि सी वह बड़े निराश जे होके बह गए। गुरु पातशाह पुछदे आ, कहिंदे भाई कवियो हुण तुहानूं की हो गया, तुसीं कहनू निराश होए हो? कहिंदे महाराज सच्चे पातशाह सानूं निराशा इस गल दी नहीं भी तुसीं इह कवि नूं इन्ना क्यों दिता, असीं तां खुश हैं तुसीं इहनूं दिता, नहीं तां आम दुनिया दे विच की है भाई, असीं आपणे दुखां दे करके उन्ने दुखी नहीं जिन्ने दूजियां ने सुखां करके दुखी हो जांदे आपां, इह सच्चाई है। असीं आपणे दुखां करके बहुते दुखी नहीं, दूजे दे सुखां नूं देख के दुखी हैं भी फलाणा सुखी क्यों है। सो कवियां ने ऐसा ना किया, कहिंदे महाराज सानू इहदियां बख्शिशां नाल नहीं भी तुसीं इहनूं क्यों इन्नियां बख्शिशां कर दित्तियां। कहिंदे असीं तां इह सोच रहे हां महाराज तुसीं किन्नी कदर करदे हो विद्वानां दी, किवें ढालां भर भर के सोने दियां मोहरां बख्शदे हो, हाथियां तक दान दे दिंदे हो। महाराज सच्चे पातशाह कल नूं तुसीं ना होवोगे,
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਵਜਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਇੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੌਣ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀਓ ਕਾਹਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗੀ ਢਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਆਵੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਔਰ ਸਮੂਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ, ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਚਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਿਤੇ 2,000-2,500 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੌਲ ਲਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਚੱਕਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਛਹਿਰੇ ਵੀ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕਦੇ ਆ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ, ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਸੋ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਸੋ ਨਾ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀਨ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭਿੱਖ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੋ ਸੋ ਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਥ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਗੁਣਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਜਪ ਹੈ, ਨਾ ਤਪ ਹੈ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਅਤੇ ਤਪ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਪ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਪ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਜਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖੈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਪ ਹੈ। ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਠਿਨਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਜਪ ਅਤੇ ਤਪ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਸਾਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਰਤ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਸਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ,
कर्म इंद्रिया नूं ज्ञान इंद्रिया नूं उधरों रोकिया नहीं। इस प्रकार साडा कोई वर्त संजम इन्हां विचों एक भी गुण साडे विच नहीं है। महाराज कवि संतोख सिंह आप जी दी चरण शरण दे विच आया, भज के आप जी दे चरण फड़ लए हन। ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप सिखां नूं तारन वास्ते तरन कहिए जहाज वत हो, आप जी अपना हाथ दे के इस संसार समुंदर दे विचों डुबणो सानू बचा लो। महाराज सच्चे पातशाह आप जी अंतक जेड़ा यमराज है, धर्म राजा है, सो उन्हां जमा दी पासन कहिए फास फाइयां जड़ियां उन्हां तो अपने दास समझ के अपने दासां नूं बचा लैंदे हो। आप जी हाथ दे विच सोहना तनुख बाण फड़ के रखदे हो ते अरूढ़त तुरंग को, तुरंग नाम घोड़े दा, अरूढ़त नाम सवारी दा, आप घोड़ सवारी करदे हो। महाराज आप जी दे जेड़े सुंदर नेत्र है जिवें कमल फुल दियां पंखड़ियां पत्तियां खिड़ियां हुंदियां, इस तरह आप जी दे विशाल मोटे नेत्र हन ते आप जी दयाल कल, आप जी इस कलयुग दे विच बड़ी दयालता करन वाले दया दे घर हो। इसे तरह महाराज सच्चे पातशाह आप जी जेड़े बड़े दुखी लोग है, दर्दबंद हन, सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी दे जदों वो कलयुग दे लोग दर्शन करते हैं तो आप जी उन्हां वल नेत्र कटाक्ष भरे कर लैंदे हो, कृपा भरी नादर करते हो ते आप जी उन्हां नूं अशोक कर देने, अशोक तो रहत कर देने हो, उन्हां दे हर प्रकार दे जेड़े महाराज सच्चे पातशाह आप जी दुख दर्द दूर कर देंदे हो। ते महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी जेड़े सोचन विमोचन को पोचन संकोचे जग, आप जी दे दर्शन करके जेड़े जगत दे बुरे लोग आ ना महाराज सच्चे पातशाह वो सोचा नू दूर करन वाले सतगुरु जी आप जी दा दर्शन देख के संसार दे बुरे लोग जेड़े भय दे नाल संकोच खा गए। आप जी नवा पंथ रचनहार हो, खालसा पंथ आप जी ने रचिया, मैं आप जी दे अंग अंग तो बलहारी, अंग अंग तो सदके जांदा हाँ। आप जी दी जड़ी पाग दस्तार है, पग है, उदे उत्ते जड़ी जिगा सज रही है, चक्री सज रही है मणियां वाली माणकां वाली, सो उदे उत्ते सुंदर सुरंग रंग वक्रे वक्रे रंगां दे और इसे प्रकार सुरंग नाम लाल दे लाल रंग दे जड़े मोती जा रंगा रंगा दे माणक हीरे पन्ने लसणिये आदक शोभा पा रहे हन। महाराज सच्चे पातशाह आप जी दी उच्ची कलगी जड़ी शोभा पा रही है, फब रही है, ओदे उत्तो मेरी एक ख्वाहिश है, उमंग है कि अपना जड़ा मन मैं आप जी दी कलगी दे उत्तो वारने कर देवां, बलहार करां। महाराज सच्चे पातशाह आप जी दे उंगलां दे विच जिहड़ियां छापां हन उन्हां दी बड़ी शोभा है और इस तरह शलायन चार जिहड़े छल्ले है वह भी बड़े सुंदर हन, इसे तरह छक्की कटते आप जी दे महाराज सच्चे पातशाह सुंदर जिहड़े लक दे दुआले आप जी दे कट लक दे दुआले जिहड़ी सुंदर कछ सुंदर कशहरा पहनिया होया वह बड़ा सुंदर फब रहा है, उहदी बड़ी शोभा है। ते महाराज सच्चे पातशाह आप जी दे कर हत्थां दे विच जिहड़े कंगन है जिन्हां दे विच कंचन हीरे जड़े हुए हन जिमें जल दे विच मच्छी है उहदे जिहड़े लोचन नेत्र बड़े चंचल है, इस तरह महाराज सच्चे पातशाह आप जी दी अखां दी बड़ी शोभा नेत्रां दी शोभा है। महाराज सच्चे पातशाह आप जी दे गर प्रावित नीव मनोग बनयो,
महाराज सच्चे पातशाह जी, वह आप जी दे हत्थां दे विच जिहड़े सोने दे कड़े पाए है, वह भी देखण वालियां दे साध संगत जी मन नूं बड़ी शोभा पाउंदे आ। इस तरह गल दे विच जिहड़ा नीवा जामा बहुत सुंदर चोला पहनिया होया है, वह भी मन नूं बड़ा प्रसन्न करन वाला है। इसे प्रकार होर जिहड़ी आप जी दी पोशाक पहनी हुई है, सुंदर चीरे सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, उस पोशाक की भी बड़ी उच्ची सुची शोभा है। ते महाराज सच्चे पातशाह आप जी ने जिहड़े सुंदर तीर धारण किए हैं, ते कर फेर तहेत आप जी जो अपने हत्थां विच फड़ के वह तीर नूं घुमाउंदे हो फेरदे हो उहदे वल अमृत दृष्टि करदे हो। महाराज सच्चे पातशाह आप जी दे दर्शन करके सानू महसूस हुंदा कि आप जी पूर्ण दृष्टि पार ब्रह्म परमेश्वर का ही स्वरूप हो। महाराज आप जी दे लक दे दुआले जिहड़ा बहुत सुंदर कमर कसा किया होया, ते कमर कसे दे विच सुंदर जिहड़ी तेग शमशीर तलवार शोभा पा रही है। जदों आप जी अपने मुखार बिंद तो मंद मंद हसदे हो मुस्कुराउंदे हो, ते इउं सुंदर दंद इउं चमकदे आ महाराज जिवें बिजली दियां जिहड़ियां लिशकां बजदियां आकाश दे विच, बिजली वर्गी लिशकोर पैंदी है आप जी दे सुंदर दंदां दी। आप जी दे गले दे विच जिहड़ी मोतियां दी माला है, वह भी बड़ी सुंदर शोभा वाली है। और इसे प्रकार आप जी दा जिहड़ा सुंदर दाढ़ा है आप जी दे चेहरे दे उत्ते बड़ी शोभा पा रहा है। महाराज सच्चे पातशाह इउं लगदा है जिवें हित करके मोह करके सोम के पास बसे हो। तम जिहड़ा हनेरा है वह सोम कहीए चंद्रमा पूर्णमाशी चंद्रमा दे कोले आके बस गया होवे, इस तरह आप जी दे सुंदर चेहरे उत्ते काला दाड़ा शोभा पाउंदा है। इसे तरह महाराज सच्चे पातशाह आप जी दा सुंदर चेहरे दे उत्ते जिहड़ा काला दाड़ा ना, इउं है भी जिवें कमल फुल दे उत्ते आके भौरे बैठे होण। आप जी दा सुंदर काला दाड़ा भौरियां दा रंग काला हुंदा है, इउं शोभा पा रहा जिवें कमल फुल दे उत्ते भौरे बैठे होण। इस तरह आप जी दे सुंदर मुखार बिंद उत्ते सुंदर दाड़ा शोभदा है। महाराज सच्चे पातशाह तुहाडे दर्शन कर ले मैं तुहाडा सिख बन गया, हुण होर किसे दी जिहड़ी आसा वह मेरे मन दे विच नहीं, बाकी सारिआं पासिओं मैं निराश हो गया, इक तुहाडी ही आस तकदा हाँ। क्योंकि हे कलगीधर सच्चे पातशाह जी आप जी ने मेरे मन दे विच आ के वासा कर लिया है। महाराज सच्चे पातशाह जे मेरे कोलों कोई भुल होई है, जे कोई चूक होई है, भुल ते चुक दो शब्द आपां वरतदे हैं भी जे कोई भुल चुक रह गई होवे, भुल कहिंदे आ साध संगत जी जे कोई वड्डी गलती होवे कोई वड्डा गुनाह होया होवे उहनूं भुल कहा जांदा है, ते जिहड़ी चूक है उह सूखम गलतियां हुंदियां जिहड़ियां उहनूं चुक कहिंदे आ चूक। कवि जी कहिंदे जे कोई भुल चुक महाराज सच्चे पातशाह मेरे तो हो गई होवे, ते सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी अपना दास जान के किंकर सो तुम ते बख्शावत, हे सतगुरु जी मैं अपना आप जी मैनू अपना दास समझो, ते मैं दास होने दे नाते आप जी तो वह भुला चुका बख्शाउंदा हाँ। महाराज सच्चे पातशाह अपने निज नाम दी लज्जा रखो, क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह मैं तुहाडा सिख कहो ना जगत दे विच, ते अपना सिख होने दे नाते तुहाडे नाल मेरा नां जुड़िया होया, अपने नां दी
लज्या रखो। हे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, तू सदा ही बख्शन वाला दाता है, सदा सुखां दा दायक, सुखां दा दाता है। मेरा मन ता महाराज सच्चे पातशाह विषय विकारां नूं छड्डदा नहीं, विषय विकारां तों छुटदा नहीं है। ते महाराज सच्चे पातशाह आप जी तां लोहे तो सोना करन वाले हो, ते इरंड ते चंदन रिंड दे दरख्त नूं महाराज सच्चे पातशाह आप जी चंदन वर्गा खुशबूदार रुख बनाउण वाले हो। जिन मानस ते देव ते कीए करत ना लागी बार, जिस सतगुरु सच्चे पातशाह नूं मनुखां तों देवते बनाउण लग्या, भाव आम मनुखां दे विच दैवी गुण भरन लग्या, देरी नहीं लगदी। ऐसे सतगुरु सच्चे पातशाह तो गुरबाणी कहती है, वार ने बलहार ने जाइए, मानुख ते सुर तू ही बनावत। महाराज सच्चे पातशाह तू ही मनुखां तो देवते बनाउण वाला है, आम मनुखां नूं दैवी गुण बख्शण वाला है। महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी ऐसे सतगुरु हो, ऐसे दाते हो, ऐसियां दातां बख्शन वाले हो कि आप जी दुष्टां नूं दंड देण वाले हो। सो इस प्रकार मस्त हाथी दी चाल चलण वाले हो। ते महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी हाथी दी चाले तुरन वाले हो, ते आप जी ने जिवें हाथी दी सुंड बड़ी लंबी हुंदी है, इस तरह आप जी सडौल बाहां भुजावां वाले हो, उन्हां लंबियां बाहां दे नाल आप जी ने तुरकां वर्गे जिहड़े बूटे आ उन्हां नूं तोड़ सुट्टिया है। आप जी ने महाराज सच्चे पातशाह ये हिंदू जिहड़ा संसार है, हिंदू संसार समुंदर है, इन्हां सारियां नूं पाणियां तों तार दिता, जिहड़े जिहड़े भी आप दे आसरे आए हन, अवलंब जिन्हां ने आसरा तकिया है, सो उन्हां नूं संसार सागर तो तार दिता है। महाराज आप जी दुष्टां नूं दंड देण वाले, सजावां देण वाले हो, हर रूप गुर मोरिया। हे मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह आप हरि दा वाहिगुरु परमेश्वर दा स्वरूप हो। महाराज सानू सेवका नू पार उतारा कर दिओ साडा अपने निजी दीदारे बख्शिश करके। बस महाराज हुण तां तेरे नाम दी लिव तार लगी हुई है, होर सब दी आस छड दित्ती है। सारियां जगह देख देख के निर्णय कर करके अंत नूं मैं आप जी दे चरणा विच आप जी दे दरबार विच आ पहुंचिया, जिवें सतगुरु ने चौपे साहिब विच लिखिया ना, सगल द्वार कौ छाड कै गहिओ तुहारो द्वार। ये ध्यान नाल पाठ करना है। कई बार आपां ना लापरवाही विच गहिओ दी जगह हाहे दी जगह ईड़ी ला दिंदे आ, ते पाठ की करदे आ, सगल द्वार कौ छाड कै गहिओ तुहारो द्वार, बाहें गए की लाज अस गोबिंद आस तुहार। बाहें गए नूं भी कई बार अनजाणे विच बह गए की लाज असीं कह दिंदे आ, बह गए दे नहीं भी मैं आके बह गया मेरी लाज रखो, नहीं शुद्ध पाठ जिहड़ा करना सगल द्वार कौ छाड कै गहिओ तुहारो द्वार, गहना फड़ना। महाराज तेरा द्वारा फड़ लिया, तेरा पल्ला फड़ लिया, सारे द्वारे छड के आया हाँ। बाहें गहे की लाज अस बाँह फड़ी दी लाज रख, बाँह फड़ी दी लज्जा रख, गोबिंद दास तुहार। हे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज मैं तेरा दास हाँ, हे गोबिंद बेदां करके जानने योग अकाल पुरख वाहिगुरु मैं तेरे चरणा दा दास हाँ। इस प्रकार कवि जी कहिंदे परयो दरबार सभै थाव निर्धार कर। महाराज सारे पासे निर्णा करके देख दो के ना मैं आप जी दी चरण शरण आप जी दे दरबार आ पिया हाँ। दर मन दे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करै को मेरी दर्शन दीजै खोल किवार। महाराज सच्चे पातशाह किवाड़ खोल दे साडे, महाराज सच्चे पातशाह किवाड़ खोल के दरवाजे खोल के सानू आप जी दर्शन दीदारे बख्शो। मोख के उदार तुम नमो कर जोरिया। महाराज सच्चे पातशाह आप जी मुक्ति दे दाते हो, जिस करके आप जी दे चरणा दे उत्ते
हाथ जोड़ करके मेरी नमस्कार है। मैं बारंबार आप जी नूं नमस्कारां करदा हाँ। इत्थों तक कवि भाई संतोख सिंह जी ने कलगीधर दशमेश पिता जी दे मंगलाचरण खुशियां दे विच आके उस्तत करदिया होया दोहरे कवित सवैये लिख के सुंदर छंदाबंदी दे विच सतगुरु की महिमा कीती है। अगे जिवें कवि जी अपने विद्यादाते दा एक मंगल करके उस तो बाद वाहिगुरु मंत्र की विशालता दसणगे किवें चार युगों के भजन का जाप वाहिगुरु मंत्र कहण नाल हुंदा है। वाहवा अखर कित्थों आया, हाहे की उत्पत्ति कित्थों हुई है, गग्गा कित्थों लिया, रारा कित्थों लिया गया और किवें वाहिगुरु मंत्र इस संसार दे विच सानू तारन वाला है, किवें जाप करना चाहीदा है, ये कल दे दीवान विच गुरु कृपा द्वारा आप रल मिल के विचार सांझियां करांगे। सो कथा विचारां दौरान बेअंत भुल्लां होईयां होणगियां, आप सरबत संगतां ने खिमा बख्शिश करनी, गरीब नवाज सच्चे पातशाह कृपा करन, समत बख्शिश करन, क्योंकि बहुत महंगी शब्दावली कवि जी ने इत्थे वरती है, बड़े महंगे महंगे प्रमाण है। सो इन्हां नूं पढ़ना सुनना समझना सौखी बात नहीं है, ये तो गुरु कृपा करे ता ही भाई समझ आ सकती है। जिन्नी कु सतगुर ने सोझी बख्शी है, जिन्ना कु समझ दे विच आया, सो आप जी दे चरणां दे विच बयान कर दिता है, कथा रूप दे विच कह दिता है। विद्वान सज्जणा ने होईयां भुल्लां दी खिमा बख्शिश करके ते नाल नाल सेध जरूर बख्शणी, जिहड़े भी कथा सुणदे आ सुणगे वीडियो दे राही भी, आप जी ने जरूर ये दसना कि कित्थे कित्थे भुल होई है, उहनूं किवें सुधारिया जावे, कित्थे की कहना चाहीदा, शुद्ध अर्थ की बनते हैं। आप जी का दास हमेशा ऋणी रहेगा, समूह विद्वाना दे चरणा की धूड़ है दास, गरीब नवाज सच्चे पातशाह कृपा करन। सो आओ समाप्ति दियां तुकां पढ़ के समाप्ति विच हाजरी लवाईए, अरदास दे विच सतगुरु दे चरणा विच भुल्लां चुकां दी खिमा मंगांगे। निरतार कर मोख के उदार तुम नमो कर जोरिया, हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राण नाथ अनाथ सके दीन दर्द निवार, हे समर्थ आगम पूरना मोहे मया तार, अंधकूप महाभयान नानक पार उतार, आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल, एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल,